बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया आईपीओ के साथ तो वो सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो गई हैं, आपके पास अथोराइजेशन लेटर भी आ गया। अगर आप थर्ड पार्टी ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं तो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपना जो ब्रांड नेम है वो द्राज के अंदर। तो कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैसेज नजर आएगा, रजिस्टर्ड आप ब्रांड, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ब्रांड रजिस्टर पे तो आपके पास ये ऑप्शन आए। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ों को नज़र रखना है, कुछ चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आपका ब्रांड जल्दी से अप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले ब्रांड के नेम को अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रांड का जो नेम है वो इस तरीके से होना चाहिए, मीन्स की प्रॉपर एक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप साथ में 123 भी लिख देंगे तो वो ब्रांड अप्रूव नहीं करेगा, पहली बात तो ये है। तो आपका प्रॉपर एक ब्रांड नेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन आपने ब्रांड्स के सेंड अप्रूव करनी है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, फ़ोटोशूट होना चाहिए, मतलब कि फ़ोटोज़ खींची होनी चाहिए आपको अपने मोबाइल से, तो ऑफ नहीं होनी चाहिए, सर टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ब्लर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने मैटर अपने सामने रखना है जिससे आपका ब्रांड जो है ना वो जल्दी से अप्रूव हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अप्रूव ब्रांड नेम मेंशन करना है, ब्रांड की कैटेगरी मेंशन करनी है कि आपकी किस कैटेगरी का ब्रांड है, फर्स्ट ग्रो फैशन से रिलेटेड है, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड है, अप्लाइंसेस से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है, कैमरा से रिलेटेड है, जितनी भी कैटेगरी जो यहाँ पे शो हो रही है उनसे रिलेटेड है, तो उनमें से आपने यहाँ पे करनी है कैटेगरी सिलेक्ट। उसके बाद आपने आपने रिलेशनशिप विद ब्रांड्स आपने सिलेक्ट करना है कि आपका ब्रांड ओनर है आप या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या फिर रीसेलर है, ठीक है ना। तो ये आपने चार पांच चार जो ऑप्शंस हैं इनको में से जो सा भी आप जिस ऑप्शन पे आप वैलिड हैं वो वाली ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद अथोराइजेशन डेट, स्टार्ट डेट आपने मेंशन करनी है, और अगर एंड डेट है तो एंड डेट आपने मेंशन करनी है, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें जो फाइल्स हैं वो यहाँ से अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप दूसरा ब्रांड, अगर आपके पास दो तीन ब्रांड्स हैं तो आप उसमें करना चाहते हैं तो आप दूसरे ब्रांड को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है, इस तरीके से आप अपना ब्रांड जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड किसी दूसरे ब्रांड के साथ मतलब कि एक नहीं हो रहा, मतलब कि नाम मिलता जुलता नहीं है, तो वो फिर आपको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है दराज के अंदर, और उसके लिए आपके पास आपका जो अगर आपका अपना ब्रांड है तो आईपीओ के साथ आपने अपना सिस्टम बनाना है, पहले ब्रांड रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक। तो इस तरह की मजीद वीडियो को दराज से रिलेटेड और दराज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।